दौसा से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी दौसा से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों के घर दवाई की दुकान मिलने का मामला, मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। चिकित्सा विभाग सचिव, संभागीय आयुक्त, औषधि नियंत्रक, जिला कलेक्टर समेत दौसा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकारी डॉक्टर के घर पर दवाइयां मिलने, दवाइयों का स्टोर मिलने की वजह से पूरा मामला संज्ञान में आया है। जवाब मांगा गया है, जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है और अब जिला कलेक्टर को जवाब देना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है। सरकारी डॉक्टरों के घर दवाई की दुकान मिलने का मामला, मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और चिकित्सा विभाग सचिव, संभागीय आयुक्त, औषधि नियंत्रक से जवाब मांगा है। जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मानवाधिकार ने सख्त होते हुए एक्शन लिया है। सरकारी डॉक्टरों के घर पर दवाई की दुकान मिली, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। चिकित्सा विभाग सचिव, संभागीय आयुक्त, औषधि नियंत्रक से जवाब मांगा है। साथ के साथ जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं दौसा से। सरकारी डॉक्टरों के घर दवाई की दुकान मिलने का मामला और इस पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और चिकित्सा विभाग सचिव, संभागीय आयुक्त, औषधि नियंत्रक से जवाब मांगा गया है। जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। क्या कुछ कार्रवाई जिला कलेक्टर की ओर से की जाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि रिपोर्ट में बताना होगा कि कार्रवाई की गई है। प्रिंस मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिंस, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों, तीन चार दिन पहले संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने दौसा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें मरीजों ने समित शर्मा को शिकायत की थी कि प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो उनके घर पे खुद के निवास पर किसी रिश्तेदार के नाम से, कभी बेटी के नाम से, मामी के नाम से, उनके नाम से उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालित कर रखे हैं और अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक गलत है। तो इस मामले पर मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान लेकर जिला कलेक्टर को, चिकित्सा विभाग के सचिव को, चार पांच विभागों के अफसरों को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है कि क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले पे। कब तक रिपोर्ट सौंपनी होगी और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? मैं आपको बता दूं, मानव अधिकार के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस महेश शर्मा जी, उन्होंने एक लेटर बाकायदा जारी किया और लेटर में 18 तारीख से, अगले महीने की जनवरी 18 से पहले इनको पूरा लिखित में रिपोर्ट सौंपनी होगी मानव अधिकार आयोग को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।